आज हम घर पे बनाएंगे मसाला डोसा। अब बनाएंगे हम डोसे में भरने वाली आलू की सब्जी, जिसके लिए हमने दो बड़े प्याज काट लिए हैं। आलू को उबाल लें और दो से तीन टमाटर ले लें। आलू को मैश कर लें। कढ़ाई में थोड़ा तेल डालें। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ी सी सरसों डालें और जीरा डालें, और एकदम से हम इसमें प्याज डाल देंगे। तेल ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया था। अब हम गैस दोबारा चलाएंगे और प्याज डाल दिए। प्याज को लाइट ब्राउन करने तक भून लें। प्याज को बीच बीच में हिलाते रहेंगे, नहीं तो वो जल जाएंगे। ये 1 किलो बॉयल्ड आलू हैं, इसे छीलकर अच्छे से और मैश कर लेंगे। आप प्याज को चलाएंगे बीच बीच में गोल्डन ब्राउन होने तक, बहुत ज़्यादा नहीं। ये 3 टमाटर हैं, इनको काट लेंगे और प्याज भून गए हैं इनमें डाल देंगे और इसे चलाएंगे सॉफ्ट होने तक। टमाटर के बाद नमक डाल देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 1 चम्मच नमक डाला है मैंने, और ये देगी मिर्च है, तीखी नहीं है। थोड़ी सी हल्दी, अब इसे चलाते हुए अच्छे से मैश करेंगे और प्याज टमाटर गलने तक इसे भूनेंगे। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, ये भी डालेंगे। और 1 चम्मच भरकर आमचूर पाउडर, जिससे आलू के मसाले में बहुत अच्छा खट्टा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले थोड़े फूल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। इसमें मैंने ये थोड़ा सा सांबर मसाला डाला है, जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। प्याज टमाटर का मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब ये उबले हुए आलू हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी काटी हुई है, इसे डालकर अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से हर जगह चला जाए। जो बड़े आलू आपको दिखे उसे अच्छे से मैश कर लें
और अगर लगे सूखा है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। सब्जी हमारी ये तैयार हो गई है आलू की, और इसे ढककर 2 मिनट के लिए सिम पर पका लेंगे। बस फिर ये रेडी है। अब हम बनाएंगे नारियल की चटनी। इसे बनाने के लिए ये भुने हुए चने ले लेंगे, बिना छिलके वाले। थोड़े से डालेंगे ये, आधी कटोरी के करीब। दो हरी मिर्च डालेंगे। और ये नारियल का बुरादा है जो बाजार में मिल जाता है, ग्रेट किया हुआ नारियल। 3 से 4 चम्मच मैंने ये डाला है, इसे डालेंगे। और इसमें 3 से 4 चम्मच ही दही डाल देंगे। थोड़ा सा दही का पानी भी डाल देंगे, क्योंकि चने जो हैं वो पीसने के बाद थोड़े गाढ़ा कर देगा। इसमें अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड करने के बाद ये हमारी चटनी तैयार है। देखो, इसे हम थोड़ा सा अभी और पानी डाल सकते हैं, बहुत गाढ़ी लग रही है हमें। मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डालकर चला लेंगे, ताकि सारी चटनी निकल आएगी, और उसको इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, उसमें सरसों के दाने डाल देंगे। आधा चम्मच सरसों मैंने डाली है। सरसों जब चटक जाए तब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। मेरे पास सूखा कड़ी पत्ता पड़ा हुआ है, वही डालेंगे हम। ये सरसों हो गई है, अब इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। और ये तड़का तैयार है चटनी में डालने के लिए। ये तड़का हमने चटनी में डाल दिया और ये चटनी हमारी तैयार है। नमक डालेंगे चटनी में, आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। मैं नमक डालना भूल गई थी, ये आप पीसते टाइम भी डाल सकते हैं। और हरे नारियल की भी चटनी बनती है, और नारियल घर पे ना हो ये हो तो इसकी भी चटनी बहुत टेस्टी बनी है।
ये दाल और चावल का डोसे का मटेरियल है जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, अगर आप कहेंगे तो बना देंगे। ये एक प्याज को बीच में से काट लें और इसमें ऐसे चाकू लगा लें और तवा गरम होने पर हल्का सा ऑयल लगाएं तवे पर। एक दो बूंद तेल तवे पे लगाएं और इस प्याज को अच्छे से तवे पर मल दें, मतलब चलाते हुए, जिससे कि एक भी डोसा खराब नहीं होगा। ये कपड़े को गीला करके रखें ताकि हम तवे पे इससे साफ कर सकें। एक कड़छी भर कर डोसे का मटेरियल लेंगे और गरम तवे पर हम चलाते हुए फैला देंगे एक साइड की तरफ। जब ये डोसा अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। और इसे सिकने देंगे डोसे को। जब ये डोसा सिक जाएगा तो अपने आप पैन को छोड़ने लगेगा। ये देखिए साइड से दिख रहा है कि डोसे ने पैन को छोड़ दिया है और एक भी डोसा खराब नहीं होएगा। अब इस पर जो हमने आलू का मसाला बनाकर रखा था, सब्जी आलू की, उसको फैला देंगे अच्छे से। और डोसे को फोल्ड कर लेंगे। डोसा बहुत क्रिस्पी बना है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि डोसा कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए, इस आवाज से पता चलेगा कि डोसा कितना क्रिस्पी बना है। तो ये मसाला डोसा चटनी के साथ हमारा तैयार है और ये प्लेट हमारी भोग के लिए है। अब मैं ये दूसरा डोसा फैला के आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको दूसरा डोसा बनाकर दिखा रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा बना था।
इसमें आलू का मसाला लगाएंगे। आलू की सब्जी बोलो या मसाला बोलो। और रोल करेंगे। देखिए कितना अच्छा डोसा हमारा बना है। ये एक और डोसा तैयार कर रहे हैं जो कि प्लेन बनाऊंगी बिना मसाले के। ये अब सीख गया है, इसे रोल कर लेंगे। देखो कितना अच्छा रोल हुआ है। तो आप बताएं किस किस को ये डोसा रेसिपी अच्छी लगी।